हेलो गाइस, तो कैसा रहा आपका वेंसडे? वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सीरीज़ गाइस। इससे पहले मैंने आपको माइनक्राफ्ट का एक हल्का सा वो वीडियो दिया था कि माइन करने से पहले एक्चुअल हमें क्या चीज़ चाहिए होता है और क्या चीज़ नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच अवर प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि माइनिंग करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं और हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम माइनिंग करने के लिए वो अपना पूरा मैंने माइनिंग स्टेशन सेटअप क्रिएट कर लिया था एंड आज मैं आया हूँ एक माइन में और यहाँ पे मुझे हल्का सा ये देखो कोल मिला। मैंने यहाँ से कोल कलेक्ट किया और मैंने ये काफ़ी कुछ इन्वेंट्री बना रखी है तो इसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है माइनिंग में, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे चेस्ट वगैरह, क्योंकि माइनिंग में चेस्ट की उम्मीद ज़्यादा रहती है मिलने की और मतलब काफ़ी कुछ मिलता है माइन में। ओबियसली बहुत कुछ होता है, हमें कोल भी मिलेगा, कोल तो ओबियसली देखो ये शुरू में ही मिल रहा है हमें एंड इसके बाद हो सकता है शायद हमें आयरन भी मिल जाए। हम धीरे धीरे सब कुछ ढूंढेंगे एंड आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिलेगा जिससे हमारा सर्वाइवल थोड़ा आसान हो सके, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने वुड से ही काट काट के जितना कुछ कलेक्ट किया हमारे पास सिर्फ वही है, बट आज ऐसा नहीं होगा, आज हमारे पास बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि माइन कई सारी चीज़ों से लैस होती है, मतलब बहुत कुछ होता है। बस कैसे भी ना हमें जल्दी से नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी मैं रोशनी लगा रहा हूँ तो ज़ॉम्बी स्पॉन होने का इतना ख़तरा नहीं है, बट वो देखो आपको हल्की सी रोशनी दिख रही है ना, मुझे कैसे भी करके बस वहाँ जाना है। वहाँ तक अगर मैं बच गया ना तो आई एम श्योर तो हम एकदम आराम से वहाँ तक पहुँच जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी उम्मीद होती है ना वो थोड़ी कम रहती है आने की, क्योंकि वहाँ इतनी रोशनी रहती है। अब जैसे ये आपको वो दिख रही है ना, ये मतलब पता आपको क्या है, यहाँ पे नहीं पता एकदम क्या उन्होंने कुछ ऐसा बना रखा है घर ऐसा एकदम केव के अंदर ही, मतलब जैसे पहले से ही बना हो, मतलब घर तो नहीं है बट एकदम वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा रखी हैं एकदम समथिंग लाइक दैट ऐसे कह सकते हो। तो वही हम धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ से एंड एकदम नीचे उतर के चलते हैं। बस ये थोड़ा मैं वो भी देखने ज़्यादा ज़्यादा हाइट से जंप भी ना कर पाएँ, अदरवाइज़ हमारे पास जो भी है वो सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, बस हम ऑलमोस्ट इतना जंप नहीं देखते हैं, नहीं चलो इतने से तो कुछ नहीं होगा। ओस चलो ठीक है, अच्छा हुआ खैर हमारी हेल्थ तो कम नहीं हुई। बस हमें यहीं आना, तब कैसे करके हमें यहाँ सर्वाइव करना और यहाँ पे हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी है एंड आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे हमारा सर्वाइवल आसान हो सके। गाइज मेरे पास इतनी वो टॉर्चेस नहीं है इसलिए मैं देखो इनको थोड़ा हटा, मतलब लगा के एक बार एक्सप्लोर कर लिया तो मैंने टॉर्चों को हटा भी दिया है, क्योंकि हमें टॉर्चें भी बहुत चाहिए होंगी तो इसलिए हम जहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं वहाँ से हम टॉर्चें निकाल लेते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल हमें कहाँ पे हमने एक्सप्लोर कर लिया और कहाँ पे हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हम देखो यहाँ पे हम 37 पे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें 37 का एकदम पूरा सब कुछ देखना है वाई कोऑर्डिनेट कि 37 पे हम कहाँ कहाँ गए हैं, फिर हम 34 जाएंगे, 33 जाएंगे, ऐसे मतलब पीछे कम होंगे और अगर नीचे जाना पड़ा तो शायद हम 40 भी जा सकते हैं। अभी देखो हम 38 आ गए, बट बस हमें धीरे धीरे देखना है, मतलब सब कुछ एक एक चीज़ देखनी है, हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं कुछ है या नहीं है। ये देखो रेल की पटरियाँ कुछ लगी हैं, मतलब बट टूटी हैं ये, पहले हम आगे चलते हैं। ओहो इतना अंधेरा, एक बार यहाँ टॉर्च लगा के देखते हैं शायद कुछ मिल जाए देखने को, कुछ नहीं है यहाँ तो कुछ नहीं मिला। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, जल्दी से चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर मिलेगा, ऐसा तो नहीं कुछ ना मिले। सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हमें चेस्ट मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छी होगी एंड क्योंकि चेस्ट में हमें काफ़ी कुछ मतलब वो उसमें होता है, कई कई चेस्ट तो पूरी भरी होती हैं और उसमें शायद हमें कुछ ज़्यादा भी मिल जाए तो वो हमारे लिए ही एडवांटेज ही हो जाता है। बस हमें देखना है बस चेस्ट जो मिल जाए, एक्स वाई जेड कोल मिले हम कोल लेंगे और आयरन मिले आयरन लेंगे, जो भी मिले एक्स वाई जेड बस मिलता जाए। लेकिन यहाँ में थोड़ा संभल के भी चलना है क्योंकि इसकी जो ये पतली पतली से अगर हम नीचे गिरे ना तो नीचे खाई है, सीधा गिरेंगे जाके और वहाँ हो जाएंगे हम डेड, हमें ये भी याद रखना है, इसलिए थोड़ा बस संभल के यहाँ पे रखना है। बस हमें कुछ ना कुछ देखना है, मतलब सीधा ये जितना भी बना है ना ये पटरियाँ सी हमें दिख रही हैं क्योंकि उन पर कार्ड्स रखी होती हैं, मतलब कार्ड्स तो उसी पे होती हैं जैसे वो होती हैं चेस्ट वगैरह उसी पे उसी के में रखी रहती हैं कार्ड्स के ऊपर चेस्ट। तो ये देखो हमें फिर से आयरन वो मिला आयरन, यहाँ से हम इसको जब उसमें फर्नेस में मेल्ट करेंगे ना तब हमें ये आयरन देगा। अभी हमारे पास जितना है उतना कलेक्ट कर लेते हैं, बस ये हमारे पास 4-8 ही ब्लॉक्स थे इतना ही मिला, बट कोई नहीं हमारे लिए इतना भी काफ़ी होगा क्योंकि धीरे धीरे ही मिलेगा, अभी हम माइंड में ही हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी
वक्त बिताना पड़ेगा क्योंकि माइन बहुत बड़ी है, हम एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते ओबियसली। ये पता नहीं क्या इसको, मतलब ये जल सा पता नहीं क्या आ रहा है, एक बार चेक करते हैं एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। ओह शिट, इसको पता नहीं किसी को कैद सा कर रखा है। और देखो इसको, मतलब ये आई थिंक ज़ॉम्बी है, उसको देखो अंदर इन्होंने कैद कर रखा है और जला के कैसे उसको घुमा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा, मैंने तो नहीं किया मतलब, तो कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। चलो अच्छे, ये हमारे ही काम आसान हो गया। पहले हम यहाँ पर टॉर्च, ओह शिट गाइस, हम जिसकी तलाश कर रहे थे हमें वही चीज़ मिल चुकी है, हमें चाहिए थी चेस्ट, एंड देखो ये मिली भी, थैंक गॉड। देखते हैं, ओह इसमें देखो कोल है, ब्रेड है, आयरन, और ये सीढ़ियाँ, पैडल, काफ़ी कुछ है। और एक देखो ये किताब भी है इसमें, हम सबको इसमें एक में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास ब्रेड भी काफ़ी हो गई, और इनको भी मैंने देखो लैडर सीढ़ियों को भी एक साथ कलेक्ट कर लिया, इनको भी ले लेते हैं। एंड हमारे पास देखो आयरन भी चार मिल गए, बस हमें यही चीज़ तो चाहिए थी गाइस। अब धीरे धीरे ये देखो किताब है, इस किताब में ओबियसली कुछ ना कुछ तो हो गई, वो हम बाद में देखेंगे भाई। बट हमें देखो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर एक चेस्ट मिली, यानी कि चेस्ट अभी इसमें बहुत सारी होंगी क्योंकि माइन तो बहुत बड़ी है ना। मतलब हम जिसकी तलाश कर रहे थे फाइनली हमें वो चीज़ तो मिल गई। पहले हम ऐसी चेस्ट ही ढूंढते हैं, इसमें जितनी भी ये रेल की कार्ट्स बनी है ना, हम इन सब में जाएंगे एक एक करके। बस हमें कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, अभी हम 38 पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। एंड यहाँ देखो हमें हल्का सा कोल मिल रहा है, ये भी ले लेते हैं लगे यहाँ, क्योंकि हमें कोल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले हम टॉर्च लगा लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया था, दिख नहीं रहा था कुछ। ठीक है, पहले हम देखो कोल मिल जाए जितना, हम पहले उतना कोल ले लेते हैं क्योंकि इससे हमें टॉर्च भी बनानी पड़ेगी, और टॉर्च हमारे पास अभी ज़्यादा है नहीं। देखो हमारे सिर्फ 8 ही बची हैं, तो बेहतर होगा हम थोड़ा कोल ले लें क्योंकि हमें टॉर्च की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, और कोल सबसे अच्छा सोर्स है टॉर्च बनाने के लिए। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ कोल वहाँ से, मुझे जितना कलेक्ट करना था वहाँ से कर लिया। एंड यहाँ मैं ये बॉक्स भी प्लॉट कर देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर हमने देख लिया कुछ नहीं है, तो मतलब हमें यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, और हमें पता भी चलता रहेगा कि एक्चुअल हम यहाँ पर जा चुके हैं, तो हमें दोबारा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पर बॉक्स लगा दिया, मतलब ये पहचान कर दी कि हमें यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ से तुम सब कुछ ले ही चुके हैं। ओह एक और चेस्ट मिली, अभी मैं जस्ट यहीं से गुजरा था। मतलब इन्होंने देखो ये वाली चेस्ट कैसे छुपा के रख रखी है। देखो गाइस, अभी हम यहीं से गए थे ना, ये देखो हमने देखा था इसको जला रखा है इन्होंने, और देखो हमें वही मिल गया, मतलब एक चेस्ट हमें और मिल गई। देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो इसमें गेहूँ है, स्ट्रिंग है, एंड रेड स्टोन डस्ट है, गन पाउडर भी है। कोई नहीं, हमारे पास जो है जितना भी है हम पहले उसको कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, हमने इसको जल्दी से कलेक्ट कर लिया है, एंड गन पाउडर काफ़ी कुछ है इसमें, तो ये भी चेस्ट। बट अभी हमारे पास इतनी जगह उसमें है नहीं, हम इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे एक चेस्ट है, हम इसको दोबारा लेने आएंगे क्योंकि अभी हम पहले और एक्सप्लोर कर लेते हैं, हमें पहले जितना कुछ मिलता है पहले देख लेते हैं एक्चुअल और हमें क्या क्या। हमें पता तो चल गया ना कि यहाँ पे एक चेस्ट और है बस। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे एक चेस्ट है। हाँ, अब चलते हैं और आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है क्या नहीं है। आई एम श्योर अब तो मतलब चेस्ट मिलनी शुरू हो गई है, हमें दो बैक टू बैक मिली हैं, एंड आई एम श्योर हमें आगे भी मिलेंगे। पहले हम थोड़ा वो रोशनी लगा लेते हैं क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ भी। ओ नहीं नहीं ये शायद दिख रही है चेस्ट ही, एक बार जल्दी से टॉर्च प्लॉट करता हूँ, शायद आई थिंक चेस्ट ही, मुझे तो चेस्ट ही लग रही है। हाँ गाइस, देखो एक चेस्ट और मिली, इसमें देखते हैं क्या है। मतलब मैंने कहा था ना, देखो जब मिलनी शुरू हुई ना, देखो हमें बैक टू बैक मिल रही हैं। ओहो इसमें भी देखो कितनी सारी टॉर्च, कोल एंड आयरन, इसमें भी मतलब मैंने क्या कहा था गाइस, जो माइन होती है ना वो फुल ऑफ वेल्थ होती है, मतलब उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो यहाँ से हमें कोल कितना सारा मिल गया, और ये डिटेक्टर रेल एंड रेल हमें ये भी मिल गई, एंड ये देखो कोल वो जो हमें चाहिए होगा, आयरन, आयरन भी देखो मिला है, आयरन के भी टुकड़े हमारे पास 9 हो चुके हैं, और जो हमने वैसा वो कुछ पत्थरों से निकाला था वो भी हमारे पास पड़ा है, उसको हम जब अभी फर्नेस में जलाएंगे तो हमारे पास आयरन अभी और होगा। बट कोई नहीं, हमारे पास अभी जितना है हम उतना जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। नेम टैग एक मिला है हमें, मतलब क्या ही कहूँ मैं। अब देखो मिलनी चीज़ें शुरू हुई हैं धीरे धीरे, अब हमें मिलती रहेंगी। अब हमें जल्दी से और चेस्ट ढूंढनी है, अगर हमें और मिल जाए तो मतलब और अच्छी बात है। मतलब अब इतना तो हम श्योर हो चुके हैं कि मतलब चेस्ट इसमें कई सारी हैं और हमें मिलेंगी,
बट पहले हम इनको थोड़ा खा भी लेते हैं क्योंकि हमारे पास हेल्थ बट अभी है, बट क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, अभी हम इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। जो मैंने ये मीट पका लिया था फर्नेस में वही मेरे पास है कुछ। चलो यहाँ ये फर्नेस पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, पहले ना हल्का स्पेस कम करता हूँ यहाँ से। मैं लकड़ी भी जला तो इससे लकड़ी का भी बॉक्स स्पेस खाली हो जाएगा, और ये जो आयरन है जो हमें मिला था इससे आयरन बना के ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम जल्दी से आयरन बना लेते हैं। हाँ जल्दी जल्दी बनाते हैं आयरन। ठीक है, बस एक दो ही हो जाएगा, फिर मैं जल्दी से आपको दिखा दूंगा। ये आयरन यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद हम कुछ और देखेंगे, बस ये जल्दी होने ही वाला है। बस मैंने सारा जल्दी जल्दी कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ तो हम देख चुके हैं। ओह चलो यहाँ भी देखो हमें फिर से आयरन मिला। ठीक है, हम जल्दी से इसको तोड़ते हैं, जितना यहाँ से कलेक्ट कर हो सकता है हम उतना कर लेंगे। पहले हमें वो लेनी पड़ेगी एक स्टोन पिकैक्स, क्योंकि वो तो थी, वो तो ख़त्म हो गई, उसकी डैमेज ऑलमोस्ट कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी। यहाँ भी चलो हमें कुछ तो ब्लॉक्स मिले आयरन के। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ आयरन ले लिया है, एंड अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम 34 पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हमें यहाँ देखना है हमें जो जो जितना मिलना है। देखो यहाँ पर हमें दो ब्लॉक्स और दिखे, चलो हम इनको भी जल्दी से तोड़ लेते हैं। एक ये एंड एक ये, चलो हमें यहाँ भी चलो इतना मिल गया हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे है माइनिंग में, जो हम आए हैं माइन करने। धीरे धीरे हम करेंगे ऑब्वियसली, आई एम श्योर हमें इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे ही देखना हमें कितनी चेस्ट हमने कलेक्ट कर ली। 3 से 4 चेस्ट तो हमें मिल चुकी हैं, और आई एम श्योर अभी हमें और मिलने वाली हैं। बस थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं हमारे पास कुछ चेस्ट वेस्ट मिल जाती हैं, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम क्या है क्या नहीं है। ओहो कितना दे रहा, पहले हमें यहाँ पे टॉर्च पुट करनी पड़ेगी, यहाँ तो हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, हमने एक टॉर्च लगाई, एंड हमें आगे भी लगानी पड़ेगी, एक यहाँ लगाई। यहाँ से तो हम जा चुके हैं, क्योंकि वो देखो हमें दिख रहा है बॉक्स ब्लॉक। चलते हैं अब और थोड़ा कहीं, अब हम को वो चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट। अभी हम 34 पे कर रहे थे ना एक्सप्लोर, अब हम करेंगे 33 पे, क्योंकि 34 हमने ऑलमोस्ट देख लिया था, मतलब बार बार वहीं घूम फिर के आ रहे थे, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। ये क्या नई चेस्ट है या दूसरी है, हम जा नहीं नहीं ये नई चेस्ट है गाइस, मैंने क्या कहा था, चेस्ट मतलब देख रहे हो हमें फिर से एक मिली है। ओ बट इस चेस्ट में ना मतलब वैसा कुछ तो नहीं है, बट हमें देखते हैं क्या है ये। ग्रोज बैलीज एंड रेल कार्ड्स और रेल डिटेक्टर, हमें यही कुछ मिला है, बट कोई नहीं हम इसको याद रखेंगे इसको भी, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं। हमने यहाँ इसके कोऑर्डिनेट देख लिए हैं और हमें पता चल गया है कि यहाँ पे ये है, तो हम दोबारा से आएंगे फिर यहाँ से हम जो रेल कार्ड चेस्ट बना के ना फिर इसको ले जाएंगे। बस पहले अभी हम देख लेते हैं कि एक्चुअल हमें क्या से कहाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं हम, पहले हमें यहाँ पे टॉर्च लगानी पड़ेगी। ओहो ये क्या नीचे जा रहा है, ये तो सीढ़ियाँ सी बनी है, चलो नीचे चल के भी देख लेते हैं शायद कुछ मिल जाए। चलते हैं नीचे एंड एक टॉर्च और लगाई, देखते हैं क्या। ओह मेरे ख्याल से एक चेस्ट और दिख रही है, जल्दी से टॉर्च लगाते हैं। हाँ मैं सही था, हमें एक वो और मिली है, इसमें भी देखो एक किताब है, एक किताब है, एंड वो देखो गोल्ड के भी दो हमें वो इग्नेट मिले हैं भाई। मतलब चेस्ट कितनी हमारे लिए मतलब हेल्पफुल, अभी हमने माइनिंग बिल्कुल नहीं करी, हमने बिल्कुल देखो खुदाई नहीं करी है पिकैक्स से या मतलब किसी से भी स्टोन वगैरह से, बट हमें देखो क्या क्या नहीं मिला, हमें गोल्ड तक मिल चुका है। बट हमें ये चीज़ें याद रखनी है, एंड हम दोबारा आएंगे फिर यहाँ पे, एंड हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। ओ ये क्या दो चेस्ट और मिली हैं हमें, आई थिंक ये हम एक्सप्लोर कर चुके हैं इन्हें, एक बार चेक करते हैं ओपन करके, ओपन करते हैं। नहीं ये हमें एक देखो दो चेस्ट बैक टू बैक फिर से मिली गाइस, टोटल हमने कम से कम 8 चेस्ट ढूंढ लिए हैं। ये देखो अभी हम यहाँ पे गए, ये हमें नहीं मिली थी, अभी हम जस्ट यहीं से गए, हमें ये दिखी ही नहीं, शायद रोशनी हमने टॉर्च नहीं पुट की थी इसलिए शायद हमें नहीं देखो। और इस चेस्ट में भी देखो काफ़ी कुछ है, देखो हमें टॉर्च की भी जरूरत थी, थैंक गॉड टॉर्च तो हमें देखो मिल गई, क्योंकि हमें टॉर्च भी चाहिए होंगी। एंड देखो ये हमें एक डायमंड का भी पीस मिला है,
भाई मतलब क्या ही कहूँ यार गाइस, मैं गाइस प्लीज़ वीडियो अब तो लाइक कर देना। मतलब हमने क्या क्या नहीं फाइंड किया, हमने बहुत कुछ देखा है। हमने देखो चेस्ट ढूंढ ली है और चेस्ट में इतना सारा सामान मिला है ना, मतलब पूछो मत। अब मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, मेरी सारा कुछ भी इन्वेंटोरी फिल हो चुकी है। अब मुझे ये इतना स्लो क्यों हो गया, मेरे ख्याल से जाले में फंस गए हैं क्या हम? मे बी शायद, आई थिंक। अच्छा हम बैठे हैं, हमें हाँ ठीक है, हम खड़े हो गए। मतलब देखो हमें गोल्ड भी मिला चेस्ट में, डायमंड भी मिला, एंड बहुत कुछ मिल रहा है हमें धीरे धीरे। चलो हमें इतना मिला, मतलब आई एम श्योर अगर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे ना, हमें और भी बहुत कुछ मिल सकता है, जिससे हमारा सर्वाइवल अब और आसान होने वाला है। ये देखो यहाँ कितना सारा कोल था, एंड देख लेते हैं यहाँ भी शायद कुछ हो। यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिखा, ये देखो उसके पीस हैं, इनको भी हम चलो जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें आयरन तो बहुत ही हमारे लिए अब ज़रूरी है। एंड जितना ये मिल जाए ये भी सही है, वैसे ज़रूरी तो सभी कुछ है, हमें जितना कुछ मिल जाए हमारे लिए उतना ही फ़ायदा है। बट स्टिल हम देखो, हम जितनी कोशिश करेंगे हम आपको गाइस सब कुछ दिखाने के लिए, हम वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ लाइक कर किए बिना कहीं मत जाना, एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारे वीडियो आप मिस ना कर सकें, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए हम आपको नए नए वीडियो देते रहें। और गाइज़ आपको अगर हमारी वीडियो से रिलेटेड से कोई भी इशू हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे वो आपके उस एक लाइक को लेने के लिए, और आपकी जो भी इशू या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप जब बताओगे तभी हम धीरे धीरे अपनी वीडियो को बेहतर करते जाएंगे कि एक्चुअल आपको क्या चाहिए एंड क्या। तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बाय बाय।